for language. In language, you will learn today the phrasal verbs. I am Mrs. Shivi Poddar. Welcome you on my channel English with Shivi. Please like, subscribe my channel. If you are wanting to give any suggestion or comment, then please inbox me. In my description box, there are many more language classes or videos. So please go through also with them. Now we will start the phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal means phrase. Phrasal, phrase means the word which, the word or the sentence which is not completed. Verb, the verb forms. Kriya, karma means the verbs, the words which are the combination of the phrase plus verbs. So नाम से ही जाहिर हो रहा है कि phrasal verbs वो verbs हैं जिसमें हम phrase को, जिसमें हम incomplete words को add करते हैं, जोड़ते हैं. Phrase क्या हो? Incomplete sentence जिससे हमको कोई meaning नहीं निकलता है, वही हम phrasal verbs के रूप में जानते हैं. उससे पहले हमको जानना होगा कि verbs क्या है, phrasal verbs क्या है, अलग अलग जो kinds हैं उसके, उसमें difference क्या क्या है उनको जानना होगा. तो first see the kinds of phrasal verbs and their differences. First is verb. Verb has the single word like, go, like, etc. From the starting, बचपन से लेकर अभी तक हम सीखते आ रहे हैं क्रिया, verb, go, eat, write, sleep, win, stand. So this will be called the verb, verb, verbs. तो ये हमको पता ही है कि क्रिया verb होती है. दूसरी चीज है verb phrase. Verb phrase is made up of two or more than two words which consist one main verb and others helping verbs like is going, can do, etc. हमारा second है verb phrase. Verb phrase क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है. उसमें दो partition होता है या तीन partition के combination से ये बनाया जाता है. First is verb, main verb, and second is helping verb. Helping verb जो सहायक क्रिया है, जो हमें sentence में सहायता देती है कि कौन सा रूप, कौन सा kind, कौन सा tense आया. मेन वर्ब जो हमारा मेन वर्ब है कि जिससे क्या क्रिया हो रही है, जिससे पता चलता है कि कर्ता क्या काम कर रहा है. तो यहाँ पर फ्रेज, वर्ब फ्रेज हुआ इज गोइंग. इज गोइंग, देयर आर टू वर्ड्स इज एंड गोइंग. इज इन हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज मेन वर्ब. कैन इज हेल्पिंग वर्ब, डू इज मेन वर्ब. शैल बी लिविंग, देयर विल बी थ्री वर्ड्स. शैल बी लिविंग. विल हैव बीन स्लीपिंग, देयर आर फोर वर्ड्स. So accordingly we will learn them, then these words are called the verb phrase. Next is the phrasal verbs. Hum aaj isi ke upar zyada deep study karenge. Phrasal verbs. Phrasal verbs are is, made up of two or more than two words. जैसे हमारा वर्ब फ्रेज दो या दो से ज्यादा शब्दों से बना है, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब भी दो से या दो से ज्यादा अधिक शब्दों से बना है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, वर्ब, एडवर्बियल पार्टिकल एंड वर्ब प्रीपोजिशन. मीन्स ये कॉम्बिनेशन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नहीं है. वर्ब फ्रेज में हमने क्या देखा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स में हमको फ्रेजल वर्ब देखने होते हैं. ये कॉम्बिनेशन होता है या वर्ब होगा या एडवर्बियल पार्टिकल होगा, उसके साथ साथ वर्ब भी होगा और प्रीपोजिशंस भी हो सकता है. इन सब के कॉम्बिनेशन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं. इफ देयर विल बी थ्री वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स देन, मीन्स अगर हमारे किसी भी शब्द में तीन शब्दों के फ्रेजल वर्ब होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं उसका यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया. फ्रेजल वर्ब, verb plus adverbial particle plus preposition combination. Means इन तीनों को हमको याद रखना है कि इन verbs के साथ में हमें किसका particle और preposition का combination मिला है. देखेंगे हम कि किस तरीके से phrasal verb में particle का और verb का या preposition का combination करके उनसे शब्द बनाया जा सकता है. So here we will learn how the partitions will be there, the combinations will be there of the phrasal verbs. पहला कॉम्बिनेशन है वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल कॉम्बिनेशन. किस तरीके से वर्ब के साथ हमको एडवर्ब पार्टिकल लगाना होगा
तो वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं. मीन्स गेट आउट. गेट मीन्स गेट इज वर्ब, आउट इज एडवर्ब. सो गेट आउट मेकर यहाँ वर्ब एडवर्ब रियल कॉम्बिनेशन बन जाता है. वर्क आउट, वर्क इज वर्क, आउट इज एडवर्बियल पार्टिकल. की आउट, गो डाउन, फाइंड आउट, गिव अवे एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी वर्ब्स जो वर्ब के साथ में एडवर्ब पार्टिकल बनकर फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं. मीन्स एक शब्द वर्ब होगा, दूसरा शब्द एडवर्ब पार्टिकल होगा, उन दोनों के कॉम्बिनेशन का भी एक पार्ट फ्रेजल वर्ब्स कहलाता है. सेकेंड हमारा क्या बताया था हमने, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन. मीन्स ऐसे शब्द जिसमें वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन यूज होगा और वो फिर फ्रेजल वर्ब कहलाएगा. जैसे ईट इनटू, इट इज वर्ब, इनटू इज प्रीपोजिशन. बिलीव इन, बिलीव इज वर्ब, इन इज प्रीपोजिशन. बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू विद. Means so many verbs are there which is used with the prepositions. तो वो verb के साथ preposition की combination के साथ बनते हैं और वो भी phrasal verbs के अंदर में ही आते हैं. Third हमारा आता है verb adverbial particle plus preposition combination. Means इसमें हमारा adverb भी होगा, इसमें हमारा prepositions भी होगा. कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दो नहीं तीन शब्दों से मिलकर बनेंगे, जिसमें प्रीपोजिशन भी होगा, जिसमें एडवर्ब भी होगा. जैसे पुट अप विद, कैरी ऑन विद, रन आउट ऑफ. पुट इज वर्ब, अप इज एडवर्ब, एंड विद इज प्रीपोजिशन. कैरी वर्ब, ऑन एडवर्ब, विद प्रीपोजिशन. अब आप कंफ्यूज होंगे ऑन तो हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी. रन वर्ब, आउट एडवर्ब, ऑफ प्रीपोजिशन. मीन्स कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे एडवर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, जिसमें वर्ब भी साथ में होता है, वो भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं. तो हमको पहले ये चीज समझ लेना हुआ कि वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लगकर हम वर्ब्स को बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए एडवर्बियल पार्टिकल. अभी ये जो आया कन्फ्यूजन वो अभी यहाँ क्लियर है. एडवर्बियल पार्टिकल क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं, एडवर्ब में यूज होने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रीपोजिशंस भी बन सकते हैं और एडवर्ब भी बन सकते हैं, उनको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. जैसे एवर, एवर इज ऑल्सो वर्ब, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अबाउट, सॉरी प्रीपोजिशंस. हाँ, ये एडवर्ब भी है और ये प्रीपोजिशंस भी हैं, इनको हम एडवर्बियल पार्टिकल के अंतर्गत रखते हैं. प्रीपोजिशन एडवर्बियल पार्टिकल्स. कुछ वर्ब ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन ही है सिर्फ, जिनको हम एडवर्ब के रूप में नहीं ला सकते हैं. जैसे फ्रॉम, ड्यूरिंग, हाँ, इनटू, ये सारे हमारे सिर्फ प्रीपोजिशन के रूप में यूज होंगे, एडवर्ब के रूप में यूज नहीं होंगे. तब इनको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन एडवर्बियल पार्टिकल्स. क्लियर, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. अब फ्रेजल वर्ब्स क्या है? ऊपर तो हमने उस समय तो हमने थोड़ा थोड़ा समझाया था, अब डीप स्टडीज की करते हैं क्योंकि हमको फ्रेजल वर्ब्स याद सीखना है. फ्रेजल वर्ब्स हमारा है लुक आफ्टर, टेक केयर, सी ऑफ. फ्रेजल वर्ब्स जैसे हमने बताया कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ एडवर्ब या वर्ब के साथ एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन बन के बनता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सी मीन्स देखना हुआ, ऑफ मीन्स खत्म हो जाना हुआ. मीन्स मैं उसको देखना खत्म कर दूंगा. यस, इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है, हमको थोड़ा सा उससे लिंक जोड़ना होगा कि कौन से एडवर्ब से, कौन से प्रीपोजिशन से क्या मतलब निकल रहा है. तो सी ऑफ मीन्स क्या होता है? उसको देखना बंद कर देना, मीन्स उसको विदा कर देना, उसको बाय बाय बोल देना. सी ऑफ ऐसी टेक केयर, केयर मीन्स रखना, केयर मीन्स देखभाल. तो टेक केयर मीन्स देखभाल करना. तो कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता है, जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स कहलाता है. लुक आफ्टर, लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स कुछ समय बाद, मतलब थोड़ी देर के लिए हमको किसी चीज़ का देखभाल करना, टेक केयर करना, देखभाल करना. तो इस तरीके के वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं, जिनका मीनिंग वर्ब्स फॉर्म रख के प्रीपोजिशन के साथ में मिलकर थोड़ा चेंज हो जाने से उसको फ्रेजल वर्ब्स का रूप देती है.
यहाँ आपको ये करना है पार्ट्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके में हम इसको बांट सकते हैं। अभी हमने देखा कि जाना ही वर्ब्स के साथ होता है और एडवर्ब के साथ भी वर्ब फॉर्म होती है, वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। अब इनको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा कि इसका मीनिंग किस तरह से निकलता है, कैसे निकलता है। कम इन, केयर फॉर, कट डाउन, स्विच ऑफ एक्सेट्रा। फर्स्ट वाले में हमने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका प्रीपोजिशन या एडवर्ब का कोई सेंस नहीं निकलता। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ वर्ब फॉर्म्स पे ही उसका मीनिंग निकलकर उसको बता दिया जाता है या समझाया जाता है। जैसे कम इन मीन्स कम का भी मीनिंग लिया गया, इनका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेंस लाए। केयर फॉर, केयर फॉर मीन्स देखभाल करना, कट डाउन कोई भी चीज़ को काटना, स्विच ऑफ कोई भी चीज़ को बंद करना। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें वर्ब का ही मीनिंग निकलता है, उसका फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग ना निकल के डायरेक्टली उसका मीनिंग निकल जाता है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है वाई अवे, हरी अप, हेल आउट, वॉश अप एक्सेट्रा। इनमें वर्ब्स का तो मीनिंग होता है, वर्ब्स के साथ जो एडवर्ब्स ऑफ प्रीपोजिशन जो वर्ड्स आते हैं वो सिर्फ मार्क इंटेंसीफायर्स का रूप लाते हैं, उनको साथ देने का रूप लाते हैं। वाई अवे पहुँचना, हरी अप जल्दी करो, हेल आउट परेशान होना चिल्लाना, वॉश अप धोना। यहाँ पर भी वर्ब का ही मीनिंग है, उसी से ही मीनिंग निकल रहा है, उसमें जो वर्ब्स के साथ में फ्रेज या प्रीपोजिशन यूज है वो सिर्फ इंटेंसीफायर का काम करता है। तीसरे तरीके का फ्रेजल है लुक आफ्टर, गिव अप, पुट अप विद एक्सेट्रा। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग बन जाता है जब वो फ्रेजल वर्ब्स के रूप में आते हैं। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में। अभी पहले भी आया था ये, तो उसका मीनिंग एकदम चेंज हो गया, मीन्स बाद में देखना नहीं, देखभाल कर। गिव अप, गिव मीन्स हटाना, अप मीन्स ऊपर रखना, तो मीनिंग नहीं आया, इसका मीनिंग अलग ही बदल गया, मीन्स कोई भी चीज़ को त्यागना, हटाना। पुट अप, कोई भी चीज़, विद, पुट अप विद मीन्स किसी भी चीज़ को कंटिन्यू किसी के साथ रखना। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको एकदम ही अलग सेंस में समझना होता है, जिनको कभी कभी हमको डिक्शनरी में भी ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ वर्बियल फ्रेज ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डिफर मीनिंग एकदम से लगते हैं। देखिए नंबर फोर्थ हमारा आया, किस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। जैसे वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, वैसे हमारे फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। जान ही रहे होंगे आप कि क्या ट्रांजिटिव है, क्या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लगता है और कुछ ऑब्जेक्ट से ही कार्य करने के लिए बोला जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर डायरेक्ट करता ही काम करता है और वो काम करने की अनुमति भी देता है। लुक आफ्टर, दिस इज द ओल्ड मैन लुक आफ्टर द बेबी, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर, ओल्ड मैन लुक आफ्टर द बेबी। बेबी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मीन्स ओल्ड मैन बेबी की देखभाल कर रहा है। लुक आउट, देयर इज वार्निंग कमिंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वार्निंग दी जा रही है, तो मीन्स ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। कम इन, द मैनेजर आस्क्ड मी टू कम इन, ये क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्योंकि मैनेजर ने बस मुझे अंदर आने के लिए बोला है, यहाँ कोई वर्ब फॉर्म उसके साथ कंटिन्यू नहीं है या फिर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट थिंग हमारी देखिए अब टेक ऑफ, ये भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, लेकिन इन का मतलब टेक ऑफ, टेक ऑफ। कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग एक से ज़्यादा दो या तीन में भी निकल सकता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा टेक ऑफ, ही टुक ऑफ हिज हैट, ही टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपनी टोपी उतारी। टेक ऑफ द फ्लाइट, टुक ऑफ एट 9 o'clock, फ्लाइट 9 बजे जाती है उड़ती है, मीन्स दोनों टेक ऑफ का मतलब, दोनों टुक ऑफ का मतलब डिफर हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्रेजल वर्ब्स एक ही रूप में, एक ही मीनिंग में, एक ही सेंस में यूज किया जाए। यस, नाउ द नेक्स्ट वन, सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। बोलोगे मैम कितने सारे पार्ट्स लेकर आ रही हैं फ्रेजल वर्ब्स के, अब आपको ये जानना जरूरी है या आपके आगे आने वाले किसी भी कॉम्बिनेशन का भाग हो सकते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या है सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स।
separable and phrasal verbs parts हैं transitive के. Transitive verbs have two parts, separable and non-separable. Transitive verbs को हम use करते हैं जो object के लिए कार्य करता है, object के लिए बोला जाता है. उसके भी दो parts हैं, उनको ध्यान से देखिए. Separable verb. Separable verb, the wind blew out the candle. The wind blew the candle out. Means separable verbs ऐसे हैं, जैसे नाम ही जाहिर कर रहा है, separable means separate होने वाला. ऐसे verbs, ऐसे phrase जिनको हम separate कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो verbs के साथ में ही combination बने, verbs के साथ में ही हम adverbial या फिर prepositions combinations को लेकर हम object को बीच में ला सकते हैं. हम दोनों को separate भी कर सकते हैं. जैसे यह sentence में दिया है, the wind blew out the candle. The wind blew the candle out. दोनों का meaning same है. Means हवा ने कैंडल को बुझा दिया. हवा ने कैंडल को बुझा दिया. क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अलग अलग मीनिंग रखते हैं. कुछ वर्ब फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का मीनिंग ना रखते हुए भी सेम मीनिंग निकालते हैं. तो हम उन ट्रांजिटिव वर्ब्स को जिनको सेपरेट कर सकते हैं वो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं. सेकेंड इज नॉन सेपरेबल वर्ब्स. नॉन सेपरेबल समझ में नाम से समझ में आ रहा है ऐसे वर्ब्स जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग हटा नहीं सकते. वो है द काउ लिव्स ऑन ग्रास. इसका हम नहीं बना सकते द काउ लिव्स ग्रास ऑन, क्योंकि ये नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है. ट्रांजिटिव है, ग्रास है, लेकिन इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें और ज़्यादा डीप स्टडी करनी होगी, और ज़्यादा याद करना होगा, समझना होगा कौन से वर्ब सेपरेबल हैं कौन से नॉन सेपरेबल. एक चीज़ और, प्रीपोजिशंस वर्बियल फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज के बाद में हमने बताया कि सेपरेबल फ्रेजल यूज हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन अगर हुआ तो हम प्रोनाउन को कभी भी सेपरेबल में यूज नहीं कर सकते. जैसे द विंड ब्लू इट आउट द कैंडल, इट विल बी रॉन्ग. द विंड ब्लू आउट इट means whenever the pronouns will be there, we cannot use them with the separable phrasal verbs. Got it? Understood? Yes. I hope that you are learning it. Next, phrasal verbs and idioms. कभी कभी हम मान लेते हैं कि phrasal verbs को idiom बोलते हैं. जी हाँ, हम phrasal verbs को idiom बोल सकते हैं, लेकिन idioms को कभी भी phrasal verbs नहीं बोला जा सकता. idioms idioms होते हैं, phrasal verbs होते हैं. phrasal verbs को हम कभी कभी idiom का नाम दे सकते हैं. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. phrasal verbs क्या क्या हैं, हम उसमें verbs, adverbs, prepositions. अभी हमने कितनी बार डिस्कस किया कि सिर्फ phrasal verbs में verb, adverb या prepositions की यूज हो सकता है. he is going on his walk. but idioms में verbs के साथ हम कोई भी parts of speech यूज कर सकते हैं. नाउन भी, कंजक्शन भी, इंटरजेक्शन भी, या फिर प्रोनाउन भी. हाँ, जैसे डेट रेड ऑफ लिव एंड लिव लेट लिव एक्सेट्रा. सो द इडियम्स कैन हैव द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इट, बट वी कैन नॉट कॉल देम द फ्रेजल वर्ब्स. इसी तरीके से और बहुत सारे हमारे इडियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. I hope that you are learning it properly. You will have the knowledge to learn what are the phrasal verbs and the idioms. So please keep with me. Bye.